Myself Mukesh Kumar Saini, lecturer government Khetan Polytechnic College Jaipur. Illumination part 3 में आज आपको मैं बताऊंगा types of lamp. Types of lamps जो है incandescent lamps जो है वो चार प्रकार के होते हैं. Carbon filament lamp, tungsten filament lamp, gas filled tungsten filament lamp और halogen lamp. सबसे पहले अपन बात करते हैं carbon filament lamp की. कार्बन फिलामेंट लैंप में जो फिलामेंट होता है वो कार्बन का बना होता है और जब इस फिलामेंट में से धारा बहती है तो ये फिलामेंट वैक्यूम के अंदर गर्म होकर के प्रकाश देते हैं. कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है होता है, लेकिन सबसे जो उपयुक्त ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इसका वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड. इस प्रकार के लैंप की दक्षता 2.5 से 4 ल्यूमन पर वाट होती है जो कि बहुत ही कम है. अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक ऊपर एल्यूमिनियम की कैप होती है और उसके अंदर प्लेटिनम वायर से दो लीड आती है, एक कांच की ट्यूब में होती हुई. एक फिलामेंट होता है कार्बन का जिसको कि वैक्यूम में एक ग्लास बल्ब के अंदर रखा जाता है. इस तरह के जो लैंप है इनका उपयोग घरों के अंदर नमी को दूर हटाने में या बैटरी चार्जिंग में किया जाता है. दूसरी तरह का जो फिलामेंट लैंप है वो है टंगस्टन लैंप. कार्बन और टंगस्टन फिलामेंट लैंप में अंतर इतना सा ही है कि उसमें कार्बन का फिलामेंट होता है जबकि इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है. इसमें भी फिलामेंट को ग्लास बल्ब में ही रखा जाता है ताकि फिलामेंट हवा के संपर्क में नहीं आए और उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो. इस तरह के जो लैंप है उनका उपयोग कम ताप के लिए ही किया जाता है. तीसरे तरह के जो लैंप है वो है गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप. इस तरह के जो फिलामेंट लैंप होते हैं इसमें भी वही ग्लास बल्ब होता है और उसके अंदर फिलामेंट होता है, लेकिन फिलामेंट टंगस्टन का होता है और उसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कार्बन फिलामेंट और टंगस्टन फिलामेंट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है. यानी इसके अंदर जो कॉइल के रूप में फिलामेंट को बनाया जाता है, साथ ही वहां वैक्यूम होता है ग्लास बल्ब में जबकि यहां पे इनहर्ट गैस जैसे कि आर्गन या नाइट्रोजन या आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण इस ग्लास बल्ब में भरा जाता है ताकि ये जो कॉइल है वो इसकी कंस्ट्रक्शन भी इस तरह से करी जाती है ताकि कॉइल गैस के संपर्क में कम से कम आए और फिलामेंट जो है गर्म होकर के रोशनी दे. इस प्रकार के जो बल्ब हैं वो बिजली अधिक खर्च करते हैं और इनका टेम्परेचर भी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. जिन बल्बों में केवल आर्गन गैस भरी होती है उनका प्रकाश नीलापन लिए होता है. इस प्रकार के लैंप 5 से 6% तक ही विद्युत को प्रकाश में परिवर्तित करते हैं, शेष भाग जो है ऊष्मा के अंदर वेस्टेज चला जाता है. इस प्रकार का लैंप का उपयोग जो है कम किया जाता है क्योंकि इनका कंजम्पशन 0.6 वाट पर कैंडल पावर होता है. अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखें हम, इसके अंदर देखिए आप कि वही ग्लास बल्ब है, ग्लास बल्ब में वैक्यूम की जगह आर्गन या नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण इसके अंदर भरा रहता है और इसके अंदर एक लीड वायर है, दो लीड वायर है और सपोर्ट के लिए फिलामेंट के लिए सपोर्ट भी दे रखा है, प्लस स्टैंड ट्यूब है, एग्जॉस्ट ट्यूब है, एक फ्यूज भी है इसके अंदर. तो थोड़ा सा इसका और कार्बन फिलामेंट लैंप का कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अंतर है. इसका उपयोग घरों के अंदर रोशनी के लिए किया जाता है जो कि आजकल बहुत कम हो गया है इसका यूज, क्योंकि आजकल एनर्जी एफिशिएंसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बिजली की बचत पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए इनका उपयोग धीरे धीरे कम हो रहा है. चौथे तरह का जो लैंप है वो है हैलोजन लैंप. हैलोजन लैंप एक प्रकार का वो टंगस्टन लैंप ही है, लेकिन टंगस्टन का धीरे धीरे वाष्पीकरण होने से उसके ऑपरेशन में तापमान का प्रभाव पड़ता है. इससे बचने के लिए इस लैंप में इनहर्ट गैस के साथ साथ थोड़ी मात्रा में हैलोजन गैस भी भर देते हैं जिससे टंगस्टन का जो ऑक्सीडेशन है वो रुक जाता है और हैलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि तत्व मिले होते हैं. इस लैंप का कांच का
टुकड़ा छोटा व पक्का होता है, मतलब इसकी जो कांच की जो ट्यूब होती है वो बहुत ही पतली होती है और मजबूत होती है, जो कि अधिक तार को सहन कर सकती है। इस तरह के लैंपों को समतल स्थिति में या प्लस माइनस 4% के कोण पर ही लगाया जाता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, ये इसके अंदर फिलामेंट, टंगस्टन का फिलामेंट है, ये कांच की ट्यूब है, और इस कांच की ट्यूब में जो कि ग्लास की बनी हुई है, कांच की है, इसके अंदर आर्गन, नाइट्रोजन, आयोडीन आदि इसके अंदर भरी रहती है, और इसको एक स्पेशल बेस के ऊपर फिट किया जाता है। अब हम इसकी बात करें कुछ लाभ की। इस लैंप में फिलामेंट का वाष्पीकरण नहीं होता, इसीलिए यह लैंप काला नहीं पड़ता तथा प्रकाश का डेप्रिशिएशन भी नहीं होता, मतलब धीरे धीरे इस लैंप की रोशनी कम नहीं होती। दूसरा, इसका कार्यकारी टेम्परेचर जो है अधिक होने से इसकी ल्यूमिनेस एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जो कि ल्यूमिनेस एफिशिएंसी जो है करीब 25 से 30 ल्यूमन पर वाट होती है। साधारण जो लैंप है हमारा उससे 50% तक अधिक इसकी एफिशिएंसी होती है। इनका जो फिलामेंट छोटा होने से प्रकाश तेज व सीधी रेखा में मिलता है, फिलामेंट छोटा होता है लेकिन कांच की ट्यूब मजबूत और पक्की होने से प्रकाश तेज और सीधी रेखा में मिलता है। यह लैंप करीब 5 किलोवाट तक के बनाए जा सकते हैं। इनका उपयोग जो है निम्न स्थानों पर मुख्यतः किया जाता है, जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड, एयरपोर्ट, फैक्ट्रियों में, हॉल में या पार्किंग स्टैंडों में। तो ये हमारे 4 तरह के इनकैंडिसेंट लैंप है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे गैसियस डिस्चार्ज लैंप। ये लैंप कांच की ट्यूब के ही बने होते हैं और इस ट्यूब में वही इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन भरी होती है। लैंप के दोनों सिरों पे इलेक्ट्रोड होते हैं, यहां फिलामेंट नहीं होता, इलेक्ट्रोड होते हैं। इनके द्वारा लैंप को विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है। यदि इन इलेक्ट्रोड पे सही विभवांतर लगाए तो इनके अंदर गैस का विसर्जन होने से विद्युत प्रवाह होने लगेगा और लैंप प्रकाश युक्त हो जाएगा। इन लैंपों में जो उत्तेजित गैसों के परमाणुओं द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है, इन लैंपों में प्रकाश उत्पन्न करने वाले कारक नियोन, मरकरी, सोडियम आदि का गैसीय चालन के द्वारा वाष्पीकरण के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। इन लैंपों में प्रकाश का रंग व प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उनमें उपयोग की गई गैस या वाष्प पर निर्भर करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। वे लैंप जिनके द्वारा प्रकाश का रंग उनमें भरी गैस या वाष्प द्वारा विसर्जित रंग के समान होता है, वे हैं मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, नियोन साइन ट्यूब लैंप और फ्लोरोसेंट लैंप। दूसरा, वे लैंप जिनके वाष्प में विसर्जन पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा उत्पन्न होता है। तो अपन केवल एक ही तरह के लैंप जो है डिस्कस करेंगे जिनमें प्रकाश का रंग उनमें भरी गैस या वाष्प के द्वारा विसर्जित रंग के समान होता है, वे है मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, नियोन साइन बल्ब और फ्लोरोसेंट लैंप। तो पहला है मरकरी वेपर लैंप। जैसा कि कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं, इसमें एक कांच की ट्यूब है और उस कांच की ट्यूब में एक इनर ट्यूब है और एक आउटर ट्यूब है। इनर ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड है, मेन इलेक्ट्रोड और एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है। साथ में इनर आउटर ट्यूब के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको कहते हैं कार्बन लिमिटिंग रेजिस्टेंस, और इस इनर ट्यूब के अंदर इनहर्ट गैस जैसे मरकरी, इनहर्ट गैस आर्गन के साथ साथ मरकरी भी इसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको चोक से सप्लाई दी जाती है और साथ में कैपेसिटर भी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए लगाया जाता है। मरकरी का डिस्चार्ज यदि हम कम प्रेशर पर करें तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलते हैं, लेकिन यदि दाब को 1 या 2 एटमोस्फेरिक बढ़ा दें तो रेडिएशन का विजिबल स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है और हमें लाइट नीली प्राप्त होती है। इस प्रकार के लैंप में 2 कांच की ट्यूब जैसा कि मैं बता चुका हूं,
अंदर की ट्यूब में नियोन या आर्गन गैस भरी होती है। जब इसका दाब कम होता है इसमें दो इलेक्ट्रोड व एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड या स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है जो कि ऑक्साइड की परतित कॉइल्स की फॉर्म में होता है, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोड है उनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इसमें एक चौक का प्रयोग करते हैं जो कि डिस्चार्ज धारा को सीमित करता है और पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कंडेंसर भी लगाते हैं। इस लैंप में अंदर की ट्यूब हार्ड ग्लास की बनी होती है वह दूसरी बाहरी ट्यूब जिसमें वैक्यूम होता है तथा यह आंतरिक ट्यूब का उच्च तापमान बनाए रखती है, मतलब बाहरी ट्यूब जो है अंदर की ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ा के रखने के लिए होती है। जब लैंप को एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड व साथ ही जो दूसरा एडजेसेंट मेन इलेक्ट्रोड है के मध्य एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और आर्क उत्पन्न होती है। इस कारण पहले इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच कार्बन प्रतिरोध के द्वारा विद्युत डिस्चार्ज होता है। इस डिस्चार्ज के कारण आर्गन गैस आंतरिक ट्यूब में रखे मरकरी को वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करती है। सारे मरकरी को वाष्पीकृत होने तथा लैंप को पूरी तरह प्रकाशित होने में 4 से 8 मिनट का समय लग जाता है। एक बार डिस्चार्ज होने से आंतरिक ट्यूब मरकरी वाष्प से पूरी तरह भर जाती है जो कि दोनों मेन इलेक्ट्रोड्स के बीच में धारा प्रवाहित करने के लिए लो रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड करती है। मरकरी को वाष्पीकृत होने के कारण आंतरिक ट्यूब का दाब बढ़ जाता है और यह विसर्जन कुछ देर बाद आर्क का रूप ले लेता है और लगभग 4 से 8 मिनट में लैंप पूरी तरह प्रकाशित हो जाता है। इस लैंप का विसर्जन का रंग नीला पीला होता है तथा पूर्ण प्रकाशित लैंप का रंग नीला होता है। इसके कुछ लाभ हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ये लैंप 80, 125, 250, 400 या 1000 वाट के बनाए जाते हैं। ये लैंप नीली रोशनी देते हैं। इनकी उम्र 5000 घंटे तक होती है। इनकी दक्षता 30 से 40 ल्यूमन पर वाट होती है। कुछ हानियां हैं इन लैंपों की, वो है कि ये लैंप केवल और केवल वर्टिकल पोजीशन में ही उपयोग में लाए जाते हैं, अन्यथा अंदर की जो इनकी ट्यूब है अगर इसको दूसरी पोजीशन में काम करेंगे तो अंदर की ट्यूब खराब हो सकती है, जल सकती है। दूसरा, इनका उपयोग क्या है? स्ट्रीट लाइट, स्पोर्ट्स ग्राउंड, पेट्रोल पंप, रेलवे यार्ड, पार्क आदि में इनका उपयोग किया जाता है। सेकेंड टाइप का जो लैंप है वो है सोडियम वेपर लैंप। इस तरह के लैंप में भी दो यूट्यूब होती है। यूट्यूब पहली अंदर की यूट्यूब में इनहर्ट गैस भरी होती है जैसे कि नियोन और साथ में सोडियम के क्रिस्टल भरे रहते हैं। आंतरिक ट्यूब को बचाने के लिए एक बाहरी ट्यूब यूट्यूब और होती है जो कि मजबूत होती है और उस बाहरी यूट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है और यह यूट्यूब दोहरी दीवार वाली ट्यूब होती है जो कि आंतरिक ट्यूब को सुरक्षा प्रदान करती है। दोहरी दीवार होने से ऊष्मा की हानियां इस लैंप में कम से कम होती है। इस लैंप का सबसे अच्छी जो गुणवत्ता है वो कहीं आंतरिक ट्यूब का तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाए तो हमें अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। इस लैंप की शुरुआत में नियोन गैस का विसर्जन व सोडियम का पूर्ण वाष्पीकरण करने के लिए 415 वोल्ट की स्टार्टिंग की सप्लाई चाहिए, यानी स्टार्टिंग में हमें 415 वोल्ट की आवश्यकता है ताकि नियोन गैस का डिस्चार्ज हो जाए और जो सोडियम अंदर भरा हुआ है सोडियम क्रिस्टल उनका वाष्पीकरण हो जाए तथा इस लैंप को जलाए रखने के लिए जब एक बार जल गया लैंप तो फिर उसको 165 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। अब हम अपन इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखो आप स्टार्टिंग में इसमें एक हाई वोल्टेज लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर जिसको लीक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं लगाया जाता है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एक कैपेसिटर लगा रहता है। अब इसको कंस्ट्रक्शन में देखें, दो इसमें अंदर इलेक्ट्रोड है जिनको हम फिलामेंट कहते हैं। एक इनर ट्यूब है यूट्यूब जिसके अंदर नियोन गैस और सोडियम क्रिस्टल है। बाहरी ट्यूब जो कि दोहरी परत वाली है यूट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम भरा होता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा वर्किंग पढ़ लेते हैं हम।
इस लैंप को सप्लाई जो देते हैं 415 वोल्ट की, वो लीड ट्रांसफार्मर के द्वारा सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। प्रारंभ में इनर ट्यूब में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो हाई वोल्टेज ड्रॉप ऑटोमेटिकली फिलामेंट के अक्रॉस लग जाता है। जैसे ही हाई वोल्टेज हम इसको देंगे तो फिलामेंट के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने से। यानी लैंप का स्टार्टिंग के लिए लीड ट्रांसफार्मर करीब 415 वोल्ट देता है और जैसे ही लैंप स्टार्ट होता है तो यह लीड ट्रांसफार्मर फिलामेंट के अक्रॉस वोल्टेज को 165 वोल्ट तक कर देता है। लीड ट्रांसफार्मर लगाने से इस लैंप में आंतरिक चौक, जो कि उस सोडियम वेपर लैंप में अपन ने लगाई थी चौक, या बेलास्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में जब लैंप में नियोन गैस का विसर्जन होता है तो लैंप में गुलाबी रंग की रोशनी दिखती है और जैसे ही सोडियम क्रिस्टल का वाष्पीकरण होने लगता है या पूरा हो जाता है तो लैंप की रोशनी पीली हो जाती है। यह लैंप कम दाब पर गर्म होने पर स्टार्ट होता है। इस लैंप को केवल और केवल हॉरिजॉन्टल अवस्था में ही काम में लाया जाता है, जबकि सोडियम वेपर लैंप तो है उसको मरकरी वेपर लैंप को केवल और केवल वर्टिकल पोजीशन में काम में लेते हैं, जबकि इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही काम में लाया जाता है। तथा इसकी जो कैप है उसको अच्छी तरह टाइट करके ही काम में लाते हैं, अन्यथा सोडियम जो है एक ही सिरे पे, अगर इसको वर्टिकल पोजीशन में काम में लेंगे या तिरछा काम में लेंगे तो जो सोडियम क्रिस्टल है ना वो एक ही सिरे पे इकट्ठे हो जाएंगे और जो सील है सोडियम ग्लास पे जो सील वायर है उसको ये खराब कर देगा सोडियम। इसके अलावा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, यानी ये जो लैंप है करीब 0.3 पावर लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, इसको बढ़ाने के लिए कैपेसिटर लीक ट्रांसफार्मर के अक्रॉस में लगाया जाता है। ये लैंप केवल एसी पे कार्य करते हैं और इनको पूरी तरह प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। इस प्रकार के लैंपों की हैंडलिंग बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है। अगर जरा सा भी इसकी ट्यूब पे कोई क्रैक आ गया तो सोडियम निकल जाएगा बाहर और सोडियम हवा के संपर्क में आने से विस्फोट या आग भी लग सकती है, इसलिए सावधानी से इसकी हैंडलिंग करनी है। कुछ एडवांटेज है इसके, यह लैंप 4500 वाट तक बनाए जाते हैं, इनकी उम्र 2500 घंटे तक होती है और इनकी दक्षता प्रायोगिक स्थिति में 40 से 50 लूमेन पर वाट होती है। इनका उपयोग स्ट्रीट लाइट्स में, फ्लड लाइट्स में, खानों में जहां की पीली रोशनी की जरूरत पड़ती है वहां इनका उपयोग किया जाता है। तीसरे तरह का डिस्चार्ज लैंप है वो है नियोन लैंप। नियोन लैंप कोल्ड कैथोड ट्यूब टाइप होते हैं और इनमें प्रारंभिक जो है विसर्जन जो है वो हाई वोल्टेज पर निर्भर करता है, यानी प्रारंभ में हाई वोल्टेज के लिए हमें वो ही सोडियम वेपर लैंप की तरह एक लीड ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए कंडेंसर लगाया जाता है। इनमें जो प्राय जो लैंप होते हैं वो लैंप शब्दों के आकार के होते हैं, यानी प्रत्येक जो खंड है वो शब्द के आकार का होता है और प्रत्येक खंड में, हर एक खंड में इलेक्ट्रोड का एक जोड़ा होता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जैसे N लिखा हुआ है तो N के अंदर एक जोड़ा है इलेक्ट्रोड्स का, ऐसे E में एक जोड़ा है, O में एक जोड़ा है, N में फिर एक जोड़ा है। तो मतलब इलेक्ट्रोड्स में, इलेक्ट्रोड्स के जो खंडों के अंदर, शब्दों के जो खंड होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोड्स का जोड़ा होता है। प्रत्येक खंड की लंबाई 2 से 4 मीटर तक होती है और प्रत्येक खंड को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नियोन लैंप किस तरह से काम करता है अब यह देखते हैं। इस नियोन लैंप को हम हर एक खंड को सीरीज में जोड़ते हैं चित्रानुसार देख सकते हैं अपन, और इन लैंपों के अंदर भरी होती है नियोन गैस। स्टार्टिंग में 1.5 से 2% तक अधिक एसी सप्लाई इनको देते हैं तो अंदर जो नियोन गैस भरी होती है उसका विसर्जन होता है और जब विसर्जन पूर्ण हो जाता है तो चोक द्वारा वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण वोल्टेज कम होगा और लैंप लाल रंग की रोशनी से जल जाएगा।
कई बार हमने देखे होंगे कि ये जो लैंप है अलग अलग रंग के भी होते हैं, तो अलग अलग हम रंग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो इनर्ट गैस है वो अलग अलग भरी जाती है रंगों के हिसाब से। जैसे अगर नीली रोशनी चाहिए तो आर्गन गैस भरेगी, हरी रोशनी चाहिए तो नियोन मरकरी का मिश्रण भरेंगे, और ग्लास ट्यूब का रंग पीला रखेंगे अगर हमें हरी रोशनी चाहिए तो। तीसरा रेड ऑरेंज अगर चाहिए तो नियोन गैस भरेंगे, येलो रंग चाहिए तो हीलियम गैस भरेंगे, और गोल्डन कलर चाहिए तो नियोन प्लस हीलियम गैस भरेंगे। अब इसके चित्र में हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, जैसा कि पहले समझा चुके, एक लीक ट्रांसफार्मर है, खंड है अलग अलग जिनको सीरीज में जोड़ा हुआ है, साथ ही फ्यूज यूनिट भी लगी हुई है इसमें इमरजेंसी के लिए, और डीपी स्विच भी लगा हुआ है, और टाइम स्विच भी लगा हुआ है, और फ्यूज और मेन यूनिट सप्लाई इसको देते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला एप्लीकेशन है इसका उपयोग करते हैं एडवर्टाइजिंग लाइट्स में, दूसरा उपयोग होता है इसका डेकोरेटिंग लाइट्स में। ट्यूब है फ्लोरोसेंट ट्यूब, जिसको लो प्रेशर मरकरी वेपर डिस्चार्ज लैंप भी कहते हैं। इसमें 2 या 4 फुट की कांच की ट्यूब होती है, जिसके अंदर की सतह पर फ्लोरोसेंट पाउडर या फास्फोरस का लेप किया जाता है। इस ट्यूब में आर्गन गैस या थोड़ा सा मरकरी भरा होता है। ट्यूब में के दोनों सिरों पर सर्कुलर टंगस्टन के फिलामेंट या इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनकी परत पर जिनके ऊपर बेरियम या वे स्ट्रोंशियम की परत चढ़ी होती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोड कम ताप पर अधिक इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करते हैं। जब इस ट्यूब में चौक के द्वारा सप्लाई दी जाती है तो फिलामेंट में से धारा प्रवाहित होगी, उसके कारण वे गर्म होंगे और गर्म होने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेंगे। यह सब चौक व स्टार्टर के साथ किया जाता है। ट्यूबलाइट में 2 तरह के स्टार्टर काम में लाए जाते हैं। साधारणतः जो सप्लाई को क्षणिक स्विचिंग करने के काम में आते हैं, ताकि फिलामेंट गर्म होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, तथा इससे ऑर्गन व मरकरी का विद्युत विसर्जन व वाष्पीकरण हो सके, और ट्यूब हल्की दूधिया रोशनी से जल जाती है। जब पूरी तरह मरकरी का वाष्पीकरण हो जाता है और आर्गन गैस का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है, तब पूरी तरह ट्यूब दूधिया रोशनी में जल जाती है। तो अब हम देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम। देखो, ये ट्यूबलाइट की रॉड है और ये फिलामेंट है जो कि टंगस्टन के है, और इनके पर बेरियम और स्ट्रोंशियम की परत चढ़ी हुई है। अंदर इसमें आर्गन प्लस मरकरी भरी हुई है, अंदर की तरफ फास्फोरस या फ्लोरोसेंट पाउडर की कोटिंग इसके ऊपर की जाती है, ताकि दूधिया रोशनी हमें मिले। और यह है चौक, चौक के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। ये स्टार्टर है पहला ग्लो टाइप स्टार्टर। इसके अंदर एक कांच की ट्यूब है, जिसके अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप और नियोन गैस भरी होती है। ये स्विचिंग करता है जब इसको सप्लाई मिलती है तो, और इलेक्ट्रोड्स को सप्लाई स्विचिंग के द्वारा मिलती है, ताकि ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हो और इस गैस का अंदर डिस्चार्ज हो। दूसरी तरह का स्टार्टर है वह थर्मल स्टार्टर। इसके अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप के साथ साथ एक ये हीटर होता है, जो इस बायोमेट्रिक हीटर स्ट्रिप को गर्म करता है, ठंडा करता है, और अंदर इसमें गैस भरी होती है हीलियम गैस। और सेम बाकी वो की वही कनेक्शन है, चौक और आपका ये कैपेसिटर। तो इस तरह से ये ट्यूबलाइट का वर्किंग मैंने आपको समझाया है। धन्यवाद।